नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जेतु शासनं त्रिभुवन तिलयम् दीपम् वंदिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम् वक्षम् अनुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। अप्रयोजन भूत बातों पर मत सोच चलाते रहो, नहीं सोचते रहो अब ध्यान। अप्रयोजन भूत जिनसे कोई प्रयोजन नहीं ऐसी बातों को सोचते रहो। पंचेंद्री के विषयों का चिंतन करते रहो, शरीर का चिंतन करते रहो, ये सब आप ध्यान है। गांधी जी ने जो तीन बातें कही, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही तो है सब अनर्थन। बोलो बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, पापों भी सो, और बुरा मत सुनो दो श्रुति में आया। असूत तो असूत होते हैं, थोड़े होते हैं। बुरा मत करो ब्रह्मचर्या में आ गया, ब्रह्मचर्य त्याग है। ये गाने की चीजें नहीं है केवल, अज्ञानी पाप धतूरा न वो पाप गठरिया न बान, ये चिंतन में आना चाहिए कैसी बनती है पाप की गठरिया, कैसे पाप धतूरा बोया जाता है, हम कैसे बोते रहते हैं, सोचना चाहिए। हिंसा दान की चर्चा हुई थी कल, हिंसा का दान, सीधा सीधा हिंसा का दान नहीं होता, तो परिभाषा क्या करेंगे हिंसा दान की, जिससे हिंसा हो ऐसी वस्तु नहीं देना चाहिए, हिंसक भावों से भी नहीं देना चाहिए। दोपहर को पुरुषार्थ सिद्धि पाठ पढ़ रहे थे, तो शाम को हमने क्या कहा था, वो भुवन अंग आया पुरुषार्थ सिद्धि पाठ, धर्मो विवर्धनीय, धर्म ही बढ़ाने योग्य है, क्यों धर्म से ही सुख होता है, तो धर्म ही वृद्धि करने योग्य है, बढ़ाने योग्य है। वो कैसे बढ़ेगा, मार्दव आदि भावनाओं के द्वारा। हमने क्या कहा था, देखो भैया अगर मार्दवादिक भावनाओं को भाएंगे तो धर्म बढ़ेगा, और मानादिक कसाय के बसीभूत होकर के तो परिग्रह में जी और ले लो, जी और कर लो, जी और बना लो, जी और कर लो, ये पहनो, ये खाओ, ये सोचो, मान के बसीभूत होकर के क्या बढ़ेगा,
परिग्रह बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। पाप मूल अभिमान, मूल को सींचेगा तो वृक्ष बढ़ेगा, तो अभिमान को सींचेगा तो पाप बढ़ेगा। तो जिससे हिंसा होती है, हिंसा माने अपना घात होता है और पर का घात होता है। अपने घात का अर्थ क्या करना, जिसे अपने ज्ञान का घात होता है, सुख का घात होता है, प्रभुता का घात होता है, बल का घात होता है, कषायों से ही होगा। कषाय ही तो हिंसा है, और कषाय के बसीभूत होकर के होने वाली जो प्रवृत्ति है वो भी हिंसा है। ऐसा कल की चर्चा दोहरा, ऐसा जिससे घात होता हो, हिंसा होती हो, ऐसा आहार नहीं देना चाहिए, देना नहीं चाहिए दूसरों को ही, ऐसा आहार करना नहीं चाहिए। भारतीय स्वयं में एक बहुत सुंदर चर्चा आदान की आई, भरत महाराज मुनीश्वर को आहार दे रहे थे और मुनीश्वर वह आहार शरीर को दे रहे थे, ले भाई और हमारी संयम में साधना में सहायक बने रहो। माने वे मुनीश्वर खुद नहीं आहार कर रहे हैं, मुनीश्वर वह आहार शरीर को दे रहे, शरीर का आहार ले। काय के लिए, संयम में सहायक बनी रहो। वो जैसा आहार, गरिष्ठ आहार, तामसी का आहार, आहार नहीं, न देना चाहिए न करना चाहिए। और देने के अर्थ में कहें न अपने को दे और न दूसरे को, मिथ्याच की ऐसी या मोह की ऐसी महिमा है जो खराब है उसे अच्छा मानता है और जो अच्छा है उसे खराब मानता है। अच्छा बुरा नहीं है वो अलग व्यवस्था है तात्विक दृष्टि, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मोह की तीव्रता वाले जीव को जो अच्छा है वह अच्छा नहीं लगता। मिथ्यात्व अच्छे के संबंध का मिथ्यात्व क्या है, जो अच्छा है किसके लिए, अपने लिए, अपने लिए माने आत्मा के लिए, और आत्मा के लिए के साथ साथ इस शरीर के लिए भी जो अच्छा है उसे जानता नहीं और जिसे अच्छा मानता है वो अच्छा है नहीं। सवेरे की थोड़ी चर्चा से बता, जो तुम्हारा खटपटा चटपटा भोजन है, बाजारू भोजन है, वह शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, वह अच्छा लगता है। और जो सात्विक भोजन है, सादा भोजन है, वह अच्छा है और अच्छा लगता नहीं। वो आत्मा के लिए भी घातक है, शरीर के लिए भी घातक है, शरीर में रोग आदि उत्पन्न करेगा। अपने प्रवचन सार जी में उत्सर्ग अपवाद मार्ग में आया ना, जिस प्रकार साधक जीव को इस प्रकार से प्रवृत्ति करना चाहिए, जिस प्रकार उसके शुद्ध उपयोग का संयम का घात न हो,
ये उत्सर्ग मार्ग है। अब बात क्या है, इस प्रकार से संयम के निमित्त भूत शरीर का भी घात न हो, ऐसे कोमल आचरण मृदु आचरण करना वह अब्बाद मार्ग। मृदु आचरण लिखा है, विपरीत आचरण नहीं लिखा। पंडित टोटम जी ने योग क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचतान नहीं करती उसमें, अयोग क्रिया के लिए नहीं लिखा है। यह मृदु आचरण काय के संबंध में समझना, मृदु आचरण काय के संबंध में समझना, बाह्य तपश्चरण आदि के संबंध में समझना। शरीर संगनन कमजोर है तो ऐसे चौथे काल जैसे आता अपन योग तुम्हारी शिखर पर जाकर के बैठ गए या वहां बैठ गए या एक एक महीने उपवास कर लिया, ऐसा नहीं किया, इनके लिए है। जैसे अपने सम्यक्त के प्रसंग में परीक्षा और आज्ञा काय में लगेगी, प्रयोजन भूत में तो परीक्षा करना चाहिए, प्रयोजन भूत तत्वों का तो भली प्रकार से निर्णय करना चाहिए, बिना निर्णय के हाँ ठीक है जैसा भगवान ने कहा, जैसा भगवान ने कहा, जो आत्मा का स्वरूप है और जो हमारा जो हमारे लिए सुखरूप, जो सो मत करते रहो, क्या सुखरूप है, क्या भगवान ने कहा है, कैसा स्वरूप है, ये भाषण देना मत सीखो, ऐसे जैसा भगवान ने कहा वैसा श्रद्धान करना चाहिए हमें है? और भगवान ने जिसको त्याग करने योग्य उसका त्याग करना चाहिए, भगवान ने जिसे ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण करना चाहिए। अब तुमने पूरा टाइम हो गया न कसी जो बताई कि का ग्रहण का त्याग कर, जो आज्ञा जैसी आप कहोगे वैसी करेंगे, और जो जैसे हमें वही करना चाहिए हमें वैसा करना चाहिए, बस ये क्या है। उन्होंने कहा आज्ञा सम्यक्त भी है और परीक्षा प्रधानी भी है। तो उन्होंने कहा देखो प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में तो जीव को परीक्षा हो सकती है, परीक्षा करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। और अप्रयोजन भूत बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कथन हैं, उनको जिनाज्ञा प्रमाण मान लेना चाहिए। वहां परीक्षा करें तो कैसे करेंगे, कोई कहे स्वर्ग निर्णय स्वर्ग नरक का निर्णय करा तो अनुमान से आगम से हम बता सकते हैं, अब सामने कैसे बताएंगे, क्या करेंगे बता। अगर सामने बताने लगे तो फिर वो जैसी भौतिक बाजी कहते हैं कहीं नहीं होता नरक, देखो जी अस्पताल देखे आ जाएगा भाई नरक है, देखो भूकंप बाढ़ वगैरह आ गई, देखो ऐसे रह रहे गंदे नालों के किनारे में, देखे आ नरक है। और बढ़िया जी देखो विलास भवन है और जी होटल है और जी फलाने यही स्वर्ग, ऐसा थोड़ा ही है भाई। फिर तो नास्तिकता की ओर चले जाएंगे, इसलिए इनको तो आज्ञा से मान लेना चाहिए। लोक की संरचना है, अब कैसे हम परम निर्णय करेंगे, आज्ञा से मान लेना चाहिए। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में देवसाज गुरु के संबंध में तो निर्णय रहे नहीं मानना। एक शब्द पढ़ा था तुमने क्या, मूलता रहित श्रद्धान पढ़ा था, बोलो क्या अर्थ किया था, हमने पूछा भी था क्या मतलब, बुद्धि नहीं लगाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, हमने कहा बहुत बुरी आदत है, इस श्लोक या गाथा पढ़ी और नीचे अर्थ लिखा तो अर्थ पढ़ दिया, अर्थ सहित पढ़ने का मतलब ये है, उसमें से अर्थ निकालना नहीं सीख रहे, कोई चिंतन नहीं कर रहे, बस सीधे अर्थ सहित पाठ कर दिया, अर्थ सहित वो पुस्तक में लिखा हुआ पुस्तक में पढ़ दिया। ये बुद्धि को कंट्रित करेगी, बुद्धि से काम नहीं लोगे बुद्धि काम कैसे करेगी। मूर्ता रहे श्रद्धान क्या मतलब,
जिसने जैसा कहा वैसा ही मान लिया। मूर्ता रहित सिद्धांत का मतलब है जिसने जैसा कहा वैसा मान लिया। अरे लौकिक क्षेत्र में हम कई बार उनने ऐसे कही थी, अरे उनने कही थी, तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी, तुमने भी सोचना चाहिए। किसको कहते हैं मूर्ता? अपने सर्वकाचार्य जी में परिभाषा है, सत्य असत्य हित अहित के निर्णय रहित प्रवृत्ति। चमत्कार दिखाई, मान लिए हमने वैसे ही, निर्णय भी तो करो भाई, या फिर हमने उसको कह कुछ नहीं होता चमत्कार चमत्कार क्या वैसा झूठे सब झूठे के सामने दिखाई दे रहे। तो टोटरमल जी ने कहा वह किसी व्यंतर कृत होते हैं इस काल में, इस प्रकार के जो चमत्कार हैं ये किसी व्यंतर कृत होते हैं, उनको मिथ्या भी नहीं मानना और उनसे कोई वहां भगवान की कोई महिमा भी मत मानना, और हर समय चमत्कार होंगे, हर समय इस प्रकार की घटना घट जाएगी, तुम्हारे साथ में भी घटेगी, ऐसा भी मत मान लेना। मूर्ता रहित श्रद्धा रेवती यानी के प्रसंग है ना, मूर्ता में सारा का सारा नगर भग पड़ा, लेकिन उसको ये विकल्प नहीं आया चलो देख तो आए। अंतिम प्रसंग क्या बना? तीर्थंकर का समोसा। उसने कहा तीर्थंकर 24 होते हो गए। ऐसे ही इसी शैली में हमने कुछ कहा था, शरण 4 होते पांचवा क्या होगा, इतने इतने बड़े लड़के जरा सहारा नहीं देते। अरे नहीं देंगे, नहीं होते, 4 शरण होते हैं उनके उदय में, सहयोग जैसी सहयोगी दिखाई देते हैं, लेकिन पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता। जितना उदय है उतना ही कर पाते हैं सहयोग, उदय से ज्यादा नहीं कर पाते, करा नहीं पाते कोई, करना चाहे तो करा नहीं पाओ। देखो वह राजा कैसी मूर्ता उसको आई, इन मुनिराज को मैं ही हार दूंगा, और निमंत्रण ये मानते नहीं, जैन मुनि निमंत्रण तो मानते नहीं। अब हम उसने कैसी ढेड़ अकड़ लगाई आगम विरुद्ध, कि कोई दूसरा और मुनराज का पड़गाहन नहीं करेगा तो अपने आप हमारे महल में आ जाएंगे। अरे रे प्रभु, दूसरों का अंतराय करने वाला, दूसरों को रोकने वाला, कई बार तुम सोचते होगे तुम रहने हम जा रहे तो हम भगा देते होंगे, हमको कुछ नहीं मालूम लेकिन होता है ऐसा, तुम रहने दे हम कुछ ज्यादा कर लेंगे, हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। कई बार ऐसे घर घर के चौक, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे हो जाए वो, और उनके चौके में जरूर अंतराय हो जाता। सहयोग करना चाहिए, उसको भावना को बढ़ाना चाहिए, अंतराय नहीं रहा। राजा ने सोचा कोई नहीं लगाएगा तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन कोई को रोकेगा तो स्वयं ही तेरे ऐसे उदय आएंगे, तू अंतराय का बंद बांध रहा, उदय आ गया। जिनागम में अपनी ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं, अपनी ज्यादा मत अकल लगाओ, इतनी अकल है नहीं तुमने। पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा अष्टपावर में, छद्मस्थ का ज्ञान परीक्षा करने योग्य नहीं है,
जिन वचनों को ऊर्ध्व रख करके परीक्षा करो, निर्णय करो, जिन वचनों का निर्णय मत करने लगो, जिन वचनों को ऊर्ध्व रख करके। ये कथन तो सही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम समझने की चेष्टा करें। ये तो हम कई बार कहते हैं, बड़ी परेशानी होती है समझाना चाहते हैं दूसरों को, और वही फिर बिचारी बिगड़ जाता है काम। वो उसको समझाएगा तो को बैठा दे, वो उसको समझाएगा, वो उसको समझाएगा। जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं तो शरण तो एक होता है सिद्धार्थ, दूसरा शरण नहीं हो सकता। अपना तो आत्मा होता है, अरे अपना शरीर ही अपना नहीं होता। जैसे हम अपना अपना कह करके अपना कहते, वो अपना शरीर भी अपना नहीं होता। शरीर के प्रति जो ज्यादा मूर्छा बुद्धि है, वह हमारे अंत समय को, समाधि को बिगाड़ते। समझ में आया ना, अंत समय परिणाम को बिगाड़ते हैं। इसलिए लिखा है, इस मार्ग चिवन निर्जरार्थम परसो डब्या परीक्षा। हम मार्ग से च्युत न हो जाए इसलिए हमको परीक्षा सहन करने की आदत डालना चाहिए। अब ये तो तुम पढ़ लोगे और पढ़ा दोगे, लेकिन परिचय सहन करने के न इसके अर्थ 22 अर्थ लगा करके देखो, तब तुम्हें समझ में आए। बोलो, अगर मार से चुत नहीं हो तो भूख सहन करने की आदत डालना चाहिए। एकदम बड़बड़ाना नहीं चाहिए, अभी चाहिए, लाओ जो कुछ भी हो सो खाए। इतनी देर हो गई, थोड़ी बहुत सहन करने की भी आदत। और नहीं तो किसी दिन योग्य नहीं मिले तब क्या करोगे? अयोग्य में परिवर्तोगे कि नहीं बनोगे? प्यास सहन करने की आदत डालना चाहिए। अरे तुम प्लास्टिक पानी लेकर चले चले, लेकिन रास्ते में कोई फैल गया, कोई बात हो गई तो क्या करोगे? हम तो अपना पानी घर से लेकर के चलते। अरे चलते हो लेकिन कर्म थोड़ी संग में लेके, कर्म तो संग लेके चले लेकिन कर्म तो दूसरे चल रहा हो ना। हमें याद है एक बार हम जा रहे पानी संग में, और वो डिब्बे का ढक्कन इतना कड़ा लगा, नहीं खुला तो नहीं खुला, और पानी डिब्बे में रखा नहीं खुला। क्या करोगे? सब तुम्हारे अधीन है क्या? नहीं लेके चले और उदय में हो तो वहां तैयार मिल जाए, और लेके चले तो भी बिगड़ जाए। तेरे विकल्प झूठे हैं, अनर्थकारी हैं। अनर्थकारी का अर्थ यहां बोलना, आकुलता उत्पन्न करोगे केवल, और कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी सहन करने लायक होती है, तब तुम मोक्ष मार्ग को साथ पाओगे। मान अपमान सहन करने लायक होता है। 22 लगा करके तो अब चिंतन करो बैठ करके। अब जे थोड़ी है हमें परीक्षा सहन करना चाहिए और परीक्षा सहन बस हो गया, पंडिता ही हो गई। हम तो इस पंडिताई की वजह से परेशान होते हैं, बस हमको। और बस एक वो प्रवचन दोहराए थे, प्रवचन दोहराए, सब जन को बैठा लिया, एक मुखिया बन के बैठ गया, और बस हमको परीक्षा सहन करना चाहिए, आज पंडित जी ने कहा था, तो करो ना, करना चाहिए तुम्हें, माने तुम सबको करना चाहिए, बस काम खत्म। हम थोड़े, हम तो कर ही रहे, और न किसी ने कुछ कह दिया तो मूड चढ़ा के बैठ गए। हमें सहन करना चाहिए, जरा किसी ने नहीं पूछ पाए कुछ नहीं तो बस मुंह लटका के बैठ गए।
हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, और पता है नहीं कैसे चले आए बन चाहे जाओ चाहे जैसे, हमसे तो नहीं कह रहे। इस तरह का स्वाध्याय हमारा पाप बंध का कारण होता है, ध्यान रखना। अब बुरा मत मानना, पाप बंध का कारण है। तो ऐसा आहार ना अपने को देना चाहिए ना दूसरे को देना चाहिए। ऐसे वस्त्र अधिक न अपन पहनना चाहिए न दूसरों को पहनना चाहिए। ऐसा आचरण न स्वयं करना चाहिए न दूसरों को उपदेश देना चाहिए। हिंसा का हिंसा क्या है? विषय कसा ही तो हिंसा है, इनका पोषण करने वाला, इनकी प्रेरणा करने वाला। बाद बाकी सब उसमें घटा लेना है। और अंतिम अपना क्या है? अनर्दन दो श्रुति। पंडित जी ने क्या लिखा? बनारसी दास जी ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े है। कैसी बढ़िया लाइन है, जिनकी चोट चिमटासी गुण चुनवे को, कुकथा के सुनवे को दो कान मड़े हैं। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम्य दृष्टि लिए डोले, मोम कैसे गड़े हैं। मोम कैसे गड़े, जल मोम जरा में पिघल जाए ऐसे दूसरे का हृदय द्रव, दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है। जिनकी सखत जगी अलग जगाए वे को, परम समाज साज वे को मन बड़े हैं, ते ही परमार्थी। यहां पंडित जी ने क्या कहा? राग देश करतार कथा कब हूं न सुनिए। जब सुनने का ही निषेध है तो करने की बात तो बहुत दूर है। तो कबहू न सुनिए, अब क्या मतलब है नहीं सुनने का मतलब? अब जी बज रहे हैं डेक फेंक तुम्हारे, अब कान फोड़ लें, कान बंद कर लें, क्या करें बता? ये नाना प्रकार के दृश्य हो रहे हैं, अब का आंखें फोल लें। नहीं सुनिए का मतलब सुनी अनसुनी कर दो, जैसे मोही की दशा में प्रवचन सुनते हैं। या सुनी और निकाल दे, कुछ मतलब ही नहीं, कहा हो कुछ नहीं, चलो अपनो काम करो, अपनो का लेने देने। मोह की दशा में जैसे धर्म का धर्म की बातों को सुना अनसुना करते हैं, गुरु वचनों को जिन वचनों को सुना अनसुना करते रहते हैं, वैसे सुनी नहीं तुमने, का कही पूछे तो का कही हमें का पता। लिखा है सार सार को ग्रहण करे और यहां इच्छा के अनुकूल ग्रहण करे। सार को ग्रहण करे का अर्थ क्या होगा? सार सार को ग्रहण करे का मतलब छह डाला में से बोलोगे? हाँ तो कहा वितरालता ग्रहण करे, देव ज्ञान ग्रहण करे। और हमने क्या ग्रहण किया उसमें से? अपना प्रमाद ग्रहण किया, आपने मना कर दिया, आपने ऐसा कह दिया था, आपने ये कहा था, और कुछ मरे ग्रहण करने का सुना। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए, जो हम सुनते हैं उसमें से राग द्वेष नहीं ग्रहण करें। अब देखो मुंडाज के संबंध में लिखा, मुंडाज का सामान्य स्वरूप
कूटरमदी का, शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, पुण्य पाप के उदय अनुसार बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, नाना परिस्थिति बनती है, शरीर की अवस्था तो बनती है, बाहर की नाना परिस्थिति बनती है। हाँ बोलो, बोला उसमें आगे क्या लिखा है? उन्हें जानते तो हैं, लेकिन इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। अब भाई जानना है, उपयोग जब है तो जानेंगे, लेकिन इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। तो राग द्वेष करतार कथा कबो न सुनिए, ये समझो। मोही जीव धर्म कथा भी सुनेगा तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष खड़ा करता है। रावण को बुरा समझ रहा है, सीता को राम को अच्छा समझ रहा है, उनमें इष्ट की कल्पना कर रहा है। सब अच्छे को अच्छा समझ, विचार करो, रावण के प्रति द्वेष भाव, राम के प्रति, सीता के प्रति, हनुमान के प्रति राग भाव। युद्ध के वर्णन जब चलते हैं ना, तो ये समझो इंद्रजीत बंधन में पड़ गया तो अपने को खुशी होने लगा, वो बंधन में पड़ गया अपने को, रावण की सेना थोड़ी सी ढीली पड़ी तो अपने खुशी, और इधर लक्ष्मण को शक्ति लगी तो अपन को ऐसा लगे जैसे हमें लग रही है। ये अधूरे स्वाध्याय का फल है, अधूरा स्वाध्याय समझ गए। कर्मोदय जने तो उनकी अवस्थाओं को नहीं जानते। ये क्या है? रावण की दशा नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। रावण को कैसा विवेक, कैसा शील, कैसी मर्यादा, कैसी विनय, पूर्व चरित्र पढ़ो। एक जने बोले कि देखो, रावण के दशानन के चरित्र में से यदि ये सीता संबंधी एक प्रसंग निकाल दिया जाए तो पूरा चरित्र कैसा है? सीता संबंधी एक ही इस विकल्प को थोड़ा सा अलग कर दें, अब बताओ वो चरित्र कैसा हो गया, कितना प्रशंसनीय। माने अब हमको क्या ग्रहण करना चाहिए, इस कथा को कैसे सुने? तो देखो, एक इस दुष्परिणाम ने सारे गुणों को धूल में मिला दिया, सारे प्रशंसनीय गुण भी इस एक दुर्गुण के कारण निंदनीय हो गए। सारा बाहर का वैभव धूल में मिल गया और दुर्गति हो गई। सीता नहीं मिली, नरक मिला। सुनने का तरीका क्या है? हम धर्म कथाओं को सुनते हुए भी उनमें से राग द्वेष ग्रहण करते हैं, ये अच्छा और ये बुरा। धर्मी जीव लौकिक कथाओं को भी पढ़ेगा, सुनेगा, लौकिक प्रसंगों को भी देखेगा, देखो कर्म की क्या दशा है, ये कर्म का परिणाम, इनका नहीं है, ये कर्म का परिणाम है, ये नो कर्म का परिणाम है, ये जीव इनसे न्यारा है, तो उसे पाप के प्रति ग्लानी भले आए निचली भूमिका में, लेकिन पापी के प्रति भी ग्लानी नहीं होती। हमारे मुनीश्वर आचार्य महाराज, उनके सामने शिष्य बिल्कुल ऐसे नंगा हो जाता है, नंगा हो जाता माने सारे दोषों को कह देता है, और दोषों को सुनकर उसे जी हमें बगा तो नहीं दिए, हम इनसे कह दिए अपनी गलती को, तो ऐसा भय नहीं रहता। क्यों? मनराज को कोई निर्विचिकित्सा है, जानते हैं कर्म का तीव्र हृदय आया सो इसको ऐसा हो गया, अब उसका उपाय बताते, सावधानी बताते।
चोर आते हैं, भीड़ आते हैं, चंडाल आते हैं, सब आते हैं, उनको पापम छेयो सु आशीर्वाद देते हैं, धर्म लाभ आशीर्वाद देते हैं, किन्हीं को हैं, किन्हीं को धर्म वृद्धि देते हैं श्रावकालिकों को, और उनके योग्य उनको उपदेश देते हैं। ये तो चोर है, अरे आत्मा चोर नहीं है, ये कर्म के कर्म जने तो परिणाम है। और कभी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, अरे अंजन निरंजन हो सकता है तो अपन की कैसी बात है, क्यों सोचो। जीवन भर का कंजूस किसी समय एक पतंग को पा करके इतना उदार हो जाए, इतना त्यागी हो जाए, ऐसे छोड़ के चला जाए। महामानी व्यक्ति इतना विनम्र हो जाए, सिंह जैसा क्रूर कितना सावधानी हो गई उसको खाने पीने में, सिंह को वह हाथी कैसे ऐसे संहार कर रहा था, और थोड़ी देर में ऐसा शांत हुआ, सूखे पत्ते खा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना क्रूर प्राणी इतना कोमल हो सकता है कि भाई आत्मा में थोड़ी क्रूरता हो। देखो भाई, अपने को ही पर्याय दृष्टि से मत देखो, और एंड में हम भगवान, हम तो भगवान है, और जी का पागल है। दूसरे को भी तो पर्याय दृष्टि से मत देखो, और अपने भी पर्याय में वर्तने वाले गुण दोषों की बड़ी प्रकार से समीक्षा करो, समालोचना करो, दोषों के त्याग के लिए और गुणों की वृद्धि के लिए निरंतर उद्यमशील रहो। तो दूसरों के भी गुण दोषों को देखो, गुणों का आदर करो, गुणों की अनुमोदना करो। गुणों की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो, और दोषों की निंदा करो। दोषों के प्रति मध्यस्थ रहो, दोषों की का उपबोधन करो। निंदा नहीं देखा, गुणों की प्रशंसा करो, गुणों की वृद्धि की भावना करो, ऐसे गुण प्रकट करने की भावना करो, स्वयं उद्यम करो, ईर्ष्या मत करो, निंदा मत करो, हैं, और दोषों की निंदा मत करो, दोषों के प्रति मध्यस्थ रहो। और बोलो, उपगुवन स्थितिकरण करो, उपदेश अलग अलग कब कर पाओगे, अब तुमने तो पूरा दोष रूप मान लिया। मेले को लोग फेंकते हैं, लेकिन मेला कपड़ा तो नहीं फेंकते, मेले कपड़े को धोकर के साफ कर लेते। क्यों भाई, मेला कपड़ा जब तुमने धोकर के साफ कर लिया, उसको फेंका नहीं, फेंक रहे हो कागज है तो गंदा कपड़ा। अरे पंडित कल बताएंगे आपको, धो धाकर हिसाब कर दिया, यही वही कपड़ा है। तो ये बताओ, उस मेरे आदमी को क्यों भगाते हो। एक है व्यंग किया साहित्यकार ने, कि आदमी गुलाब के पास जाता है तो कांटों को छोड़ छोड़ करके बच बच करके फूलों को चुन लेता है, और वही जब किसी आदमी के संपर्क में जाता है तो दोषों को ग्रहण करता है और गुणों को छोड़ देता है। ये उल्टी रीति क्यों, गुलाब के पेड़ के साथ भी जब ऐसा व्यवहार है कि कांटे गुलाब में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, तो कांटों को छोड़ करके फूल को चुन लिया, और आदमी में गुण भी है दोष भी है, तो तुमने दोष दोष पकड़ लिया, गुण छोड़ दिए। गुण ग्रहण का अभाव रही ने दृष्टि ने दोषों पर जावे, दृष्टि ने दोषों पर जावे का मतलब उन दोषों को ग्रहण मत करो, दृष्टि नहीं आवे माने उनके प्रति अंधे हो जाओ, ऐसा नहीं कहा। क्यों, दोषों का ज्ञान नहीं होगा तो अंध श्रद्धा हो जाएगी तुम्हारी। उन दोषों को जानते हैं लेकिन दोषों को ग्रहण नहीं करते, जानते हैं ग्रहण नहीं करते।
ये धर्म कथाएं भी तुम्हारी वितरागता के लिए हैं, वितरागता ग्रहण करना। और मुख्य रूप से जो विषय कथा चार प्रकार की विकथाएं हैं जो राग द्वेष को ही बढ़ाने वाली हैं, वे तो सुनने लायक ही नहीं है, उनके लिए तो बैरे हो जा। उनके लिए तो बैरे हो जा। सुनो, वो आदमी तुम जानते, वो ऐसा हमसे मत करो, तुम जाओ अपना काम देखो, हमारे पास टाइम नहीं। राग द्वेष करतार कथा कवहू न सुनिए। समय कैसे मिल जाता है तुम्हें, उपयोग कैसे लग जाता है, तुम नीति भी भूल जाते हो। धर्म की बात तो बहुत दूर है, जो दूसरे की बुराई तुमसे कर रहा है वो तुम्हारी बुराई दूसरे से भी तो कर सकता है, और कर सकता क्या, करते ही होगा, उसकी तो आदत है ना बुराई। विश्वास कैसे कर लेते हो, मैंने कही और तुमने मान ली, मान भी ली, ये भूल किसकी है। तो कबू न सुनिए का मतलब कान में पड़ेंगी बहुत सी बातें, इधर उधर की पड़ेंगी। अब क्या करोगे, आज के जमाने में ध्वनि प्रदूषण कितना है, पड़ोस में लड़ाई होने लगी, कोई बात होने लगी, अब तुम्हारे कान में जोर जोर से आवाजें आ रही, अब क्या करोगे। क्या करोगे बोलो, भाई अपना शासन तो है नहीं, सब जगह बंद करो इसको, तुम्हारा शासन लौकिक में तुम्हारे घर में। अरे नहीं, बहुत हम तो कहते हैं इस कलिकाल में बहुत पुण्य का उदय है जिसकी अपने घर में ही चल जाए। तीन मानेंगे एक नहीं मानेगा, कोई कश्यप कितव चल रहा, कोई कुछ चल रहा, चक्रवर्ती की छखंड में आज्ञा चलती थी, लेकिन क्या करें, ये उन्नाव सर्पणी को उन्नाव सर्पणी को छह खंड की विजय करके लौटे आ रहे थे आनंद से अयोध्या के द्वार पर ही। छह खंड में चली और अपने घर में नहीं चली, बता 99 दीक्षा लेकर चले गए, झुका एक भी नहीं, 99 दीक्षा लेकर के चले गए और बावली आमने सामने खड़े हो गए। अब बताओ क्या करें, कौन शरण है भाई, तत्व ज्ञान ही शरण है, वेद ज्ञान ही शरण है। वैरागी ही शरण है, कौन शरण है। अरे किस प्रसंग में हमको याद आई, हमने तीर्थंकर 24 होते रेवती रानी जैसे कहा, 25वां कहां से आ गया। ऐसे ही विचार करो, शरण तो चार होते, पांचवें की तुम कल्पना करते क्यों। मोदय जी के वृथान कल्पना हो, जो विनय पाठकार ने लिखा, मेरी तो तोसों बनी ताते करो पिकार, जो मैं कहूं और सो तो न मिटे। क्यों क्यों नहीं मिटे बोलो, जो मैं कहूं और सो तो न मिटे और उजहार, क्यों नहीं मिटती। औरों से कहें तो भाई, जो बाहर की उलझने हैं बेबी पुण्य से मिटती हैं, बाहर की उलझने पुण्य से मिटती हैं, पुण्य से सुलझती हैं सबरी बातें, और वहां इतने उतने कहो तो पुण्य पुण्य छीन होता है। मेरी तो उसे बनी ताते करो पुकार, इसका मतलब ये थोड़ी है हम भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहे बस। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की बात नहीं है, दैन्य भाव की बात नहीं है, बात ये भगवान से कहोगे तो तुम्हें उसका उपाय मिलेगा,
और नहीं कहोगे तो भी बिना कहे उपाय मिल जाएगा, दूसरे से कहने पर भी नहीं मिलेगा। एक चर्चा की थी भगवान की हितंकर प्रसंग की, जो दूसरी जगह मांगने से मिले, मांगने से भी मिलने की गारंटी नहीं है, पुण्य उदय हो तो मिल जाए, नहीं हो तो नहीं मिले। दूसरों दूसरी जगह मांगने पर भी मिलने की गारंटी नहीं है, वह यहाँ बिना मांगे मिले, और जो मोक्ष मार्ग यहाँ मिले वह कहीं न मिले। जो मोक्ष मार्ग यहाँ मिलता है वो तो कहीं नहीं मिलेगा, और जो भोग संयोग सामग्री दूसरी जगह पुण्योदय मांगने पर मिलती दिखाई दे वह तो यहाँ बिना मांगे मिले। छाया बैठा सहज वृक्ष के नीचे हुए है। धनंजय कवि ने क्या दृष्टांत दिया, पेड़ के नीचे बैठने पर छाया मांगनी नहीं पड़ती। छाया बैठा सहज वृक्ष के नीचे हुए, भगवंतों की शरण में आने पर ये तो अपने आप सामग्रियां मिलती, इनमें दम नहीं। यदि किसी को धर्म आराधन करते हुए भी न मिले तो उसका तीव्र पाप का उदय समझ देना चाहिए। बाहर की उलझने भी यह समझेंगी, क्यों उलझन अज्ञान की और कथाओं की है, वस्तुओं कहीं उलझन नहीं। क्या करें, बड़ी दिमाग में उलझन रहती है, कोई कथाएं रहती है, उलझने अज्ञान और कथाओं की हैं। ज्ञान से और समता से सुलझेंगी और कोई पा नहीं कथा लगी उलझन सुलझेगी। इस तरह की नीति बाकी भी हमने कई बार बोले भाई, समझौता भी समझ से होता है, बिना समझ के समझौते भी नहीं होते। बात बाकी सत्य में समझौते की जरूरत नहीं है, सत्य को तो समझना ही चाहिए, लेकिन समझौते भी अगर कहीं करना चाहो तो समझ से होंगे। अगर समझदार होंगे तो हाल हो जाएगा, और ना समझ होंगे तो नहीं समझौता। और समझदार के समझौते टिकेंगे, और ना समझ के समझौते तो आज फिर हो गए, कल फिर बदल गए, टूट गए, खत्म हो। वो तुमने कल कही थी, अब कल कही थी तो कही थी, अब हम नहीं आज। जितनी भी विश्व में तुम्हें उलझने दिखाई देती हैं, वो अज्ञान और कसाय की तो हैं। बता और काय की उलझने हैं वो? भाई उदय जने सामग्री है तुम्हारी, तुम्हारे पास हमारी, हमारे पास उलझन क्या है बता? थोड़ी सी उदार बुद्धि से समझ लेना चाहिए, काम खत्म। उलझन कुछ है ही नहीं, और अज्ञान मिटे बिना, कसाय मिटे बिना कोई उलझनों को सुलझा नहीं सकता। हमें आज भी याद आ जाती है, कहीं कोई हमारे साधक भी थे तो उलझन में पड़े, सोने एक दिन बैठे फोन लगाए उनको, भैया प्रवचन का कार्यक्रम बनवा लो एक आधे। मैंने कहा अभी तुम्हारी उलझन, बोले उलझन हम जाइए सुन लेंगे। और सच्ची बात, चार दिन में उलझन सुलझ गई, सुलझ भी गई। और कभी तीव्र उदय हो तो नहीं सुलझे, तो इसको छोड़ने से क्या उलझन सुलझ जाए? मूल कारण हमने देखा थोड़ी उलझन का, बड़ी उलझने रहती हैं, बड़ी उलझने, बड़ी उलझने। अरे अज्ञान और कसाय की उलझने दो ही उलझने, जितना है उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं, और जितना उदय है उससे ज्यादा पाना चाहते हैं, और कुछ उलझन आएगी? और जितना है उतना है भाई, हम क्या करें बता? मध्यम आदमी को मध्यम की तरह रहना चाहिए, बड़ा आदमी की सेक नहीं करो। साहब का चार में खूब लिखा है, अपनी आमदनी से कम खर्च करना, ये गृहस्थ की परम नीति लिख दी साहब का चार। क्यों? बड़े आदमियों को देख देख करके सेक करोगे और ज्यादा खर्च कर लोगे, कर्जदार हो जाओगे, फिर कहां तुम्हारी प्रतिष्ठा रहेगी?
कोई कहे हमें बड़ी प्रतिष्ठा है, हम फिर कहां प्रतिष्ठा रहेगी। और फिर कितनी प्यारी भाषा लिखी है, बोलो। प्रतिष्ठा तो सत्य से, सील से, संतोष से, सादगी से, सज्जनता से। प्रतिष्ठा तो तुम्हारे आत्मिक गुणों से और मानवीय गुणों से होती है। तुम सोचो हमारे पास पहले बहुत धन था, आज धन कम हो गया तो हम अपना स्तर घटा दे, सादा पहनने लगे, सादा खाने लगे, सादा रहने लगे, बंगला अपना बड़े किराए का छोड़ करके छोटे में कर ले तो हमारी प्रतिष्ठा घट जाएगी और कर्जदार हो जाओगे तब का हो। ऐसी लिखा है आपका चार है, पढ़ा है कुछ, याद है, बोलो। झूठी सलाह देना भी नहीं चाहिए और झूठी सलाह मन सुनना भी नहीं चाहिए। अपनी सील पुराणों में ऐसी बहुत चर्चा है, वो दूती आई और बैठ गई मनोरमा के पास, क्या सुंदर रूप पाया है, क्या और भाग्य देव का बनिए के घर में आ गई, मैं का कदर तुम्हारी। और ठीक है राजकुमार, तो आज भी तुम्हें चाहता है और तुम्हारा जरा इशारा मिल जाए तो हम अभी बात करा दें, अभी मिलवा दें। मनोरमा कहती तू यहां से जाती कि नहीं जाती, लेकिन उस कथा से एक शिक्षा ले लेना चाहिए। मनोरमा ने दो चार बार उसने उसे कहा तो उत्तेजित होकर के उसको दो चार मारे, निकल यहां से। ये मनोरमा की भूल थी, सुनी अनसुनी करना ये बात तो ठीक है, मध्यस्थ रहना, लेकिन स्वयं बड़े बन जाना ये बड़ी भूल हो गई। अरे बड़े बन गई, सासू को बुलाती, माताजी देखो जी को का कह रही, सुनो जी तुम्हें बड़े का को हो गई, पीछे से सास से उसने बिड़ा दिया और पहले ही से कह रहे थे, तो तुम्हें खबरी उल्लंघन को अपने आप सुलझाते रहते हो अपने आप। आज बच्चे बहुत आत्मघात करते रहते हैं, ऐसे आवेश में, जोश में, कुसंगति में उल्टे सीधे काम कर बैठे, उल्टे सीधे व्यापार लंबे चौड़े कर बैठे, घाटा हो गया। फिर उन्हें चुपचाप पिताजी से मत कहियो बात ले ले, तीन रुपया सैकड़ा पे, फिर दो पैसे, फिर वहां पे ले ले, जहाँ पे ले ले, फिर भी ऊपर से चढ़े तो अब पिताजी से पता पड़ गए, गोली खाए के मर गए। अरे भाई कोई उलझन आ भी गई तो गुरजनों गुरजन काहे के लिए, गुरजन से बड़ी उलझन नहीं है। लिखा है तुम्हारी व्यापार निर्देश कहां, अब तो पढ़ ली होगी। हाँ गुरजन से बड़ी उलझन थोड़ी होती है, वचन निर्वाह करना चाहिए, लेकिन कोई वचन कोई एग्रीमेंट कर भी बैठे आवेश में आकर के तो ये थोड़ी ही उसके निर्वाह के लिए मर जाओ। ये दुर्लभ जीवन ज्यों ही खो देने लायक नहीं है, सुलझाओ उसको। हाँ लौकिक में माता पिता है और यहां तो मेरी तो सौ मरी काते करो बुखार खाना मकई बात। राग द्वेष करतार कथा, अब राग द्वेष करतार कथा कौन सी होती, उनको क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, विकथा। विकथा माने विपरीत कथा। ये जीव जैसे कोई तो सरागी देवादिकों को मान करके अपनी कामनाएं पूरी करता है तो उसको तो तुम मिथ्यास कह देते हो, हम भी कहेंगे मिथ्यास उसको। लेकिन कोई वितरागी देव को भी पाकर के उनसे ही उस प्रकार की कल्पनाएं और कामनाएं करके करता है, उसी प्रकार का व्यवहार करता है,
हे भगवान जी काम हो जाए तो छत चढ़ाए, ये काम हो जाए तो एक दान करा दें, ये काम हो जाए तो हम ये कर लेवे, ये काम हो जाए तो ऐसा करें। तो उसको भी तो मिथ्यात में लेंगे ना, ऐसे राग द्वेष करतार कथा तो विकथा तो नहीं सुने, लेकिन धर्म कथा को भी विकथा की तरह नहीं सुने, ये अर्थ कर रहे हैं। इसलिए दृष्टांत दिया, बस इतना ही कहेंगे, समझ में आया ना। धर्म कथा को भी विकथा की तरह न सुने, उनसे उनमें से राग द्वेष को ग्रहण न करे। बोलो अच्छी तरह, दो चार बात बोल पा दो। धर्म कथा को अनुत्साह से न सुने, दूसरों की बातें सुन मान करके न सुने, पर लक्ष्य से न सुने, केवल पुण्यबंध के लिए न सुने, समय पूरा करने के लिए न सुने, मनोरंजन के लिए न सुने। मनोरंजन के लिए नहीं, सुखबंदी का शब्द याद है, मनोभंजन के लिए। मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए, मन को मारने के लिए, मन को जीतने के लिए। हैं? नहीं, छूटेगी तो सर्वथा, लेकिन चल रहे तो, लेकिन ऐसा थोड़ी चलता है जैसा चौथे में चलता है, तीसरे में चल पहले में चलता है, पहले जैसा चौथे में नहीं है, पहले जैसा परमा चौथे में नहीं है, चौथे जैसा पांचवे में नहीं है। परमा तो है, वैसा नहीं, बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। समझ में आया ना। जो मुख्य रूप से राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, उनको तो सुने ही नहीं, लेकिन धर्म कथाओं को भी सुनते हुए उनमें से राग द्वेष ही नहीं करें। ये पंडित जी अच्छे, ये पंडित जी कछु नहीं कहा। जैसे आजकल चर्चा कर ली, वो डॉक्टर बहुत अच्छे बने गई, सब खा पियो, बने कछु पर ही नहीं दवाई, अरे वो बैठी ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, ऐसा बैठी भैया अपनी समझ में नहीं आए। अरे रे प्रभु, तुम्हें घूस है कुछ? वे पंडित जी ऐसे बेकश नहीं कहा, वे तो भाई आए अपने आराम से प्रचन कह चले गए। तुम्हें और ये तो नेक्स्ट बैठो, सीधे बैठो, नेक्स्ट क्या कर रहे, सो क्यों रहे, लेट काहे को हो गए? इनकी मारे बड़ी आफत है, आफत है कि आफत टलेगी इनसे, कुछ होश है तुम्हें? अरे प्रभु, दूसरों को टोकने वाला है, दूसरों को टोकने वाला गुरु करना, गुरु का शब्द का अर्थ करना, संत कैसे करो, अंधकार से जो निकाले, जो अंधकार से निकाले उसको गुरु कहते हैं। है? तो अंधकार क्या है? बस मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार, ये दोष है हमारे, यही तो अंधकार है। दोषों के निकाले बिना, दोषों के दूर किए बिना गुणों की प्राप्ति कैसे संभव होगी? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, कैसे गहिए? कबू न सुनी का मतलब, उन पर ध्यान मत दो, उनको ग्रहण मत करो, उनके ऊपर बार घुलते मत रहो, जाने ऐसी कही, जाने का कही, अरे का लेने देने कही होगी। जैसे मोही जीव धर्म कथा को उपेक्षा से सुनता है, सुनते हुए भी उस पर ध्यान नहीं देता, लक्ष्य नहीं करता, ऐसे ज्ञानी जीव इन धर्म विकथाओं के ऊपर, संसार है ये, स्वरूप है,
उसमें क्या दमदारी, हम तो कहा था ना उसे तो मोह में देखा रे, संसार का अगर ऐसा स्वरूप नहीं होता तो ज्ञानी वैरक्त कैसे होते। सुशीला उपन्यास में चर्चा आई, जब वो सेठ ने रतन चंद जी ने अपनी स्त्री का चरित्र देखा, दुष्चरित्र, तो पहले तो गुस्सा आई, और थोड़ी देर बाद फिर बैठ करके विचार करने लगे, अरे ये स्वरूप नहीं होता तो कैसे हम यहाँ घर से निकलने का, आज दीक्षा लेने का भाव आता। और भूल समझ में आई, काय को दंड देने का भाव आया, चलो अपन निकलो, छोड़ो का करना। क्यों साहब, अगर अपराधी को दंड नहीं देंगे तो फिर अपराध नहीं बढ़ेंगे? अपराधी को दंड तुम भले मत दो, तुम भले क्षमा करो, लेकिन अपराधी को तो दंड की प्रकृति का विधान ही है, दंड मिलता ही है। तुम नहीं भी दे तो तुम्हारे दंड न देने से क्या धन नहीं मिलेगा उन्हें? दंड देने का, सहाय कराने का भाव तीव्र कसा है, दंड लेने का, सहाय करने का भाव मंद कसा है। विचारना है राग द्वेष हरतार कथा, राग द्वेष हरतार, राग द्वेष को हरण करने वाली कथा सदा ही सुनिए। विचारना सहजानंद शोध करो अविनाशी में आत्म करो, आत्म करो सहजानंदी शोध करो अविनाशी।